हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे लव फॉरएवर। अगर आप लोगों को मेरा वीडियोस पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले के एपिसोड में बताई थी नामसिन शोबोंग का तारीफ करता है कि वो बहुत ब्यूटीफुल है। एक दिन गोंग शोबोंग रोबोट नामसिना को अपने घर ले जाती है। वहाँ पे उसका दोस्त उस रोबोट को करीब से देखना चाहती थी क्योंकि उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि एक रोबोट इंसान की तरह कैसे दिख सकता है। इसलिए वो रोबोट नामसिना को कपड़े उतारने के लिए बोलती थी। फिर रोबोट नामसिना जब अपने पैंट का जिप ओपन कर रहा था तब वो बहुत चौंक गई थी और पूरा एम्बेरेस हो गई थी। फिर वो जल्दी से उसको बोल रहे कि उसको ज़रूरत नहीं है पैंट पत पहले खोलने के लिए। ये सब देख के कॉन्ग शोबोंग का पापा बहुत चौंक गया था और बेहोश हो गया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि वो एक रोबोट है। इसके बाद एक दिन इंसान नामसिना कॉन्ग शोबोंग को इंसल्ट करती है और उसके ऊपर गुस्सा दिखाता है। तभी रोबोट नामसिन कॉन्ग शोबोंग को उसके पास से छीन के ले जाता है और इंसान नामसिन को बोलता है कि उसके साथ ऐसे बुरा बर्ताव ना करे। ये सब सुन के हंसता है इंसान नामसिन क्योंकि उसको लगता है एक रोबोट इतना फीलिंग्स कैसे दिखा सकता है, उसके अंदर तो कोई फीलिंग्स है ही नहीं। लेकिन रोबोट के अंदर भी कॉन्ग शोबोंग के लिए फीलिंग्स पैदा होता है जो सिर्फ रोबोट नामसिन को ही दिखता है और उसको ही समझ आता है, जिसको वो एरर सोचता है जो सिर्फ कॉन्ग शोबोंग के लिए होता है। कॉन्ग शोबोंग उसको चाहते लगती है और उसको धीरे धीरे प्यार करने लगती है, इसीलिए उसको खोना नहीं चाहती थी। एक दिन रोबोट नामसिन और कॉन्ग शोबोंग मूवी देखने जाता है। जब मूवी का सैड सीन चलता है तभी कॉन्ग शोबोंग देखता है कि नामसिन आंखों से आंसू गिर रहा है। वो ये सब देख के चौंक जाती है क्योंकि रोबोट के आंखों से आंसू कैसे गिर सकता है। फिर नामसिन हंसने लगता है और फिर कॉन्ग शोबोंग को बोलता है कि वो अपना रोबोट और इंसान नामसिन को पहचान नहीं पाए। एक्चुअली वहाँ पे रोबोट के वजह से उसके जगह में इंसान नामसिना था जो कि रोबोट नामसिना को उसका हाथ से बैटरी छीन के उसको बंद कर दिया था ताकि उसका मिसयूज कर सके अपने तरह से। इससे कॉन्ग शोबोंग बहुत गुस्सा हो गई थी और वो पूछने लगी कि रोबोट नामसिन कहाँ है। दूसरी तरफ इंसान नामसिन रोबोट नामसिन को एक दूसरा वॉच जो बैटरी के तरह था उसके हाथ में लगा देता है। इससे रोबोट नामसिन बहुत ही डेंजरस हो जाता है और वो सबको हर्ट करने लगता है। उसके अंदर एक गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो इंसान नामसिना के अंडर भी था और सिर्फ उसका ही डिमांड सुन रहा था। सिर्फ यही नहीं, वो कॉन्ग शोबोंग को भी गला पकड़ लेता है और उसको हर्ट करता है। लेकिन कॉन्ग शोबोंग जब रोने लगती है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो अपने पास आ जाए पहले की तरह, तब उसको रोना देख के वो उससे हग कर लेता है क्योंकि ये फीचर्स अभी तक वो भूला नहीं है। दूसरी तरफ इंसान नामसिना वो किल स्विच को दबा देता है ताकि वो रोबोट को मार सके, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। फिर डॉक्टर लॉरा उसको बचाने के लिए और एक माइक्रोचिप तैयार करती है जो चिप उसको बचा सकता है उस रोबोट को किल स्विच को दबाने के बाद भी। दूसरी तरफ शोजोंगिल नामसिना का माँ को मारने की कोशिश करता है और उस रोबोट को भी, लेकिन डॉक्टर लॉरा ने अपना जान को दांव पे लगा के उस रोबोट को बचाती है। थैंक यू गाइस, आज यही तक था। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।